हेलो सुपर फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ज्यादातर मूवीज में एक अजीब चीज हम लोग देखते आए हैं और वो है फेक प्लॉट ट्विस्ट। मतलब जब मार्वल वाले अपनी मूवी का ट्रेलर या फिर कोई भी प्रमोशनल मटेरियल रिलीज करते हैं तो उसमें और एक्चुअल मूवी सीन्स में काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर और मार्केटिंग मटेरियल में हमें हल्क वकांडा में दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल मूवी के फाइनल एक्ट में हल्क कभी भी देखने को मिला ही नहीं। या फिर आयरन मैन 3 की बात करें तो ट्रेलर्स में फोकस मैंडरिन के विलेन होने पर रखा गया, जो कि कॉमिक्स में आयरन मैन का काफी फेमस विलेन है और इस वजह से कॉमिक बुक फैंस के एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ती गई। लेकिन जब आयरन मैन 3 मूवी रिलीज हुई तो विलेन तो काफी दूर की बात है, मैंडरिन फेक निकला और विलेन बन गया एल्ड्रिच किलियन। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। पर्सनली मुझे ये चीज मार्वल की ठीक लगती है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज के ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जिनसे सारा प्लॉट क्लियर हो जाता है, जो मूवी के कई सारे वॉ मोमेंट्स भी ट्रेलर में ही दिखा देते हैं। और दूसरी तरफ मार्वल इन फेक प्लॉट ट्विस्ट की वजह से अपनी मूवी के अंदर कई सारे वॉ मोमेंट्स दिखा पाता है। तो अब बात ये आती है कि आज के वीडियो में हम देखने के हवाले हैं। तो यार, आज हम मार्वल मूवीज के उन फेक प्लॉट ट्विस्ट की बात करेंगे जो ट्रेलर में तो दिखाए गए पर मूवी में ठीक उसका उल्टा हुआ। लेकिन उन्हीं ट्रेलर वाले फेक प्लॉट्स को मार्वल अब फेस 4 में असलियत में यूज करने वाला है। यानी ऐसे प्लॉट्स जो फेस 3 तक की मूवीज तक फेक थे पर फेस 4 में उन्हीं को रियल प्लॉट्स की तरह यूज करने वाला है मार्वल। तो वो कौन कौन से प्लॉट्स हैं और फेस 4 की कौन कौन सी मूवी या शोज में उनको फिर से दिखाया जाने वाला है, आज हम यही देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं मैंडरिन से। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क के कॉमिक्स के नेमेसिस मैंडरिन को इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन मूवी को देखकर पता चला कि ये फेक मैंडरिन है। अब जिस तरह से मार्वल मैंडरिन के 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की हिंट अपनी ज्यादातर मूवीज में पहले से ही दे रहा था, उस तरह से मैंडरिन का आयरन मैन 3 में आना तय था, क्योंकि पहले आयरन मैन मूवी में 10 रिंग्स ग्रुप के लोगों ने टोनी स्टार्क को उठा लिया। आयरन मैन 2 में भी 10 रिंग्स के एक एजेंट ने इवान वेंको को मोनाको में ट्रैवल करने में हेल्प की थी, जिससे वो स्टार्क से बदला ले सके। और आयरन मैन 3 में फाइनली जब सबको 10 रिंग्स के लीडर मैंडरिन का वेट था, तो मार्वल ने अपना मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्लॉट ट्विस्ट करके मैंडरिन को फेक बता दिया और रियल विलन एल्ड्रिच किलियन को बनाया, जिसकी वजह से फैंस की तरफ से मार्वल को काफी बैकलैश झेलना पड़ा। इसकी भरपाई करने के लिए मार्वल ने ऑल हेल द किंग जैसा वन शॉट निकाला और टाइम टाइम पर 10 रिंग्स को दिखाते रहे। लेकिन अब फेस 4 में अपने उस फेक प्लॉट ट्विस्ट को करेक्ट करते हुए मार्वल शैंगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में रियल मैंडरिन को इंट्रोड्यूस कराने वाला है। इस मूवी में मैंडरिन को वेनवू नाम से भी बुलाया जाएगा। मैंडरिन के आने के साथ एक और चीज भी क्लियर होगी इस मूवी में, कि किस तरह से 10 रिंग्स इतने टाइम से एमसीयू में काम कर रहा था। इस मूवी में मैंडरिन की स्टोरी कॉमिक्स से थोड़ी अलग रहने वाली है। बस फैंस में एक चीज को लेकर मलाल रहेगा हमेशा, कि एमसीयू में उन्हें कभी भी आयरन मैन वर्सेस मैंडरिन देखने को ही नहीं मिला। तो ये तो था पहला फेक प्लॉट ट्विस्ट जिसको मार्वल फेस 4 में यूज करने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे प्लॉट की, जो कि है एमसीयू मल्टीवर्स। अब एमसीयू मल्टीवर्स का आइडिया हमें एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन और एंड गेम जैसी मूवी में देखने को मिला, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ऐसी मूवी थी जिसके ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल्स में खुले आम मल्टीवर्स के आइडिया को दिखाया गया, जहां ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि क्वेंटन बेक यानी मिस्टीरियो एक दूसरी डायमेंशन से इस अर्थ पर आया है। लेकिन मूवी में मल्टीवर्स या दूसरी डायमेंशन का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि मिस्टीरियो टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज के डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके ये फेक मल्टीवर्स प्रोजेक्शन कर रहा था। अब फेस 4 में वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस में मल्टीवर्स को दिखाया जाएगा, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि उससे पहले रिलीज होने वाली है, उसको भी नैरेटिवली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कास्ट कंफर्म हुई है वो स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स की साफ साफ हिंट दे रहा है। चाहे अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस हो और चाहे जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो हो, ये सब टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड वाली मूवीज में सेम कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं। तो चांसेस तो पूरे हैं कि जो मल्टीवर्स फार फ्रॉम होम में दिखाते दिखाते रह गए मार्वल वाले, वो स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख जाए। अब लास्ट में जिस फेक और ट्विस्ट को फेस 4 में करेक्ट किया जाएगा वो है स्क्रल्स का आइडिया। तो जब कैप्टन मार्वल मूवी अनाउंस हुई तब ये बताया गया कि इसमें क्री और स्कल्स के बीच की वॉर को भी दिखाया जाएगा, तो फैंस को लगा कि जिस तरह से कॉमिक्स में टिपिकली स्कल्स को विलन दिखाया जाता है, वैसे ही कैप्टन मार्वल मूवी में भी दिखाया जाएगा। और ट्रेलर्स में भी कैप्टन मार्वल स्कल्स को चेज करते हुए और उनकी खोपड़ी तोड़ते हुए दिख रही थी, लेकिन मूवी में प्लॉट घूम गया और पता चला कि जिन स्कल्स को हम लोग विलन समझ रहे थे वो तो देव मानुष निकले और रियल विलन क्री निकले। यहां तक कि टैलोस जो कि स्कल्स का लीडर था तब, वो इतना भरोसे वाला हो गया शील्ड का कि वो पार्ट टाइम निक फ्यूरी बनके घूम रहा था जब निक फ्यूरी स्वॉर्ड एजेंसी एस्टेब्लिश कर रहे थे। और वांडा विजन के एंड क्रेडिट सीन में पता चला कि और भी कई स्कल्स ह्यूमन फॉर्म में अर्थ पर घूम रहे हैं। लेकिन फेस 4 में डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में स्कल्स का कॉमिक से रियल विलन टाइप वर्जन सामने आएगा। वहां पता चलेगा कि जिन स्कल्स को निक फ्यूरी भरोसे वाला समझ रहे थे वो कुछ और ही निकले। हाँ वही, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो जो सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज मार्वल ने अनाउंस की है, इसी नाम की एक कॉमिक्स भी है जहाँ स्कल्स अर्थ पर आकर बड़े बड़े सुपर हीरोज और लीडर्स में चेंज होकर उनकी जगह ले लेते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं। तो हो सकता है उसी तरह शो में भी स्कल्स को और भी डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाए।
तो गाइज ये थी फेस 4 की वो मूवीज या शोज जिसमें इन्फिनिटी सागा के फेक प्लॉट ट्विस्ट को रियल तरीके से मार्वल यूज करने वाला है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एमसीयू मूवीज के ट्रेलर्स का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो मूवी में ना मिलने पर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा। मेरा तो इन्फिनिटी वॉर में हल्क को ना दिखाना था। तो अब इस वीडियो में इतना ही है। ब्लैक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एस बेर के वीडियोस देखते रहिए।